अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुम्हारी मेज़बान कायनात मलिक। ते आज असा जनाब एवदे से गाजी घाट ते और इथां तुसा देदे पियो सो के इथां सर्दियां दा कीवें सीज़न है और इथों दे जे शहरी हैं या इथों दे जे मुसाफिर अंदर वेंदन, क्योंकि ए जरा रोड है, ए मुल्तान रोड है और डीजी खान रोड है, ठीक है जी। और इथां आवण वाले जितने भी गाड़ियां हैं, जितों दे मुसाफिर फैमिलीज़ हैं, इथां आते बड़े शौक नाल इथां तली हुई मच्छी खांदे हैं। ए सीज़न है जरा सर्दियां दा सीज़न है और मछली जरिए बहुत बेहतरीन गिज़ा है। तो और इतना कुछ लोग बैठे हैं, इन्होंने पूछते से जनाब मच्छी था क्यों खावना, ठीक है। जी नाजरी जी, मैं तो सर देते पे हो सकता है, नौजवान साढ़े नाल मौजूद बैठे हैं और इतना जनाब मच्छी खाने पे और इन्हें पूछते से कितों हैं ते और कि शौक ले मच्छी खाने पे जनाब। देख जी, ना क्या तो ना जमील जमील, तू सा कितों आए हो? डीजी खा रो। डीजी खाए तू? अच्छा, मच्छी खा मतलब हर साल खा वणदो? नहीं, कदी कदी आने से। कदी कदी क्यों? बस दिल कहंदा सी। अच्छा, हां जी, ठीक है जी। तेरा नाम क्या है? मेरा नुमान है। नुमान, तू सा मच्छी खा वणायो था? जी। कैसी लगती है? बहुत अच्छी है, बस शौक ले खा ले, काम से फारिग होते हैं फिर खाते हैं। अच्छा, सर्दी में, सर्दी के वास्ते क्या क्या में लगता पेंदी में? सर्दी का सीजन है और सर्दी के हवाले ना तू सा मच्छी खा मतलब फंदो क्या करूं? मतलब मजा आता पाया, सर्दी का मौसम है, खावा बहुत चंगा लगता है। जी जी नाजरीन, जिम्मे तुम डिठे हुए कि ना भी था नौजवान जरा ना मच्छी खाते बैठे और इवें ना ले भी बैठे ना, इन्हें पूछते से जी तुसा कितों आया भाई, तुसा कितों आया? अच्छा, पुल डाट तो। पुल डाट तो आयो जी। अच्छा, इतना देते पियो कि हर पास ना मच्छी का सीजन चलता पे और मच्छी ही खाती वेंदी पी, क्या गाल है मतलब? और मौसम है ना, सर्दियां नहीं बस। अच्छा, सर्दियां मौसम नहीं। जी जी। अच्छा, यानी कि घर दी निस्बत जड़ी था मच्छी बढ़ती है, क्या फर्क होता है? घर तो नहीं मिल सकती। अच्छा, घर तो बहुत अच्छी बनती है, इतना तो बस बस टाइम पास करने वास्ते, चलो सैर तफरी थी बनी तो वाल ही वास्ते भी जरा ना, चलो भाई चक्कर शक्कर मच्छी खा के। जी नाजरी, जिम्मे तुम रिठे कि नौजवान जरा मच्छी खाते बैठे हैं और तफरी के नाल नाल मच्छी के नाल भी जरा ना इतना लुत्फ अंदोज थे बैठे हैं, तो इवें इतना मच्छी तो लेंदे खड़े हैं एक भीरा साढ़े, तो इन्हें को पूछते से अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह बचे। अच्छा, ये तो सारे से सो डेली तो सा कितनी मच्छी था बकती है? सारे मच्छी लागवे थे तकरीबन 3 किलो 5 किलो। जी 5 3 किलो लागवे ने। 5 3 किलो। अच्छा, ये अपना एक तो सा सिर्फ सर्दी सर्दी बड़े दो, ये साल इस पूरे सीजन चलता है? साल होंदे। अच्छा, ज्यादातर असा रश करण होते सियाला ढेर रश होंदे। अच्छा जी, इन्ने मौसम में रश होंदे? फार्म कूड़ मारन वास्ते आकड़ने, ये भी दरिया दी वो भी दरिया दी, ये लोग नहीं मने दे पैसे किवे डो इतने असन रोजी करने वास्ते कूड़ थोड़ा भरे ने, ठीक है। हाक साच लगा ला बने आकड़े ने मच्छी दरिया दी ये फार्म दी है। अच्छा, ये दसे सो के इथा हर मच्छी दी अपनी कीमत है या एक ही कीमत है सारा हुंदे? ये हर मच्छी दी अपनी कीमत है, सौल सिंगारे दी अपनी है, डंबरे दी अपनी है, मल्ली सिंगारे दी अपनी है, हर मच्छी दी अपनी अपनी कीमत है। डेली मतलब कितनी मच्छी तो सा मतलब कितने बजे तक इथा लेंदो और कितनी मच्छी तो सा कोन सेल थी वेंदी है? 8 बजे के ने असा लेंदे से 8 बजे बंद कर दे से रात दा। अच्छा जी।
ਕਿਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖਾਵਣ? ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਰਾਜਨਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਲਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਥੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਖਾਓ ਔਰ ਮੌਸਮ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।